महेश मिश्रा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए महेश। महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद हैं और बजट जो है वो आज पेश होने जा रहा है, चुनावी साल है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, इस बार नया कर लगेगा या फिर कुछ बदलाव हो भी सकता है? देखिए, नया कर कोई इसलिए नहीं लगेगा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये चुनावी साल है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के किसी भी नगरीय निकाय का पहला ऐसा बजट है जो पेपरलेस होगा। पुष्यमित्र भार्गव ने पेपरलेस बजट पेश करने के लिए पहुंचे और लगभग दो दिन आज और कल इसमें सदन में चर्चा होगी। और आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के किसी भी निकाय में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे बड़ा बजट कोई होता है, पेश होता है, तो वो इंदौर नगर पालिका निगम का होता है। और लगभग ये माना जा रहा है कि इस बार भी लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया जाएगा। तो इसमें तमाम तरह के कई नए नवाचारों की इसमें चीजें देखने को मिलेगी। पुष्यमित्र भार्गव के महापौर बनने के बाद में उनका ये पहला बजट है और साथ ही में चूंकि चुनावी वर्ष है तो नगर निगम इंदौर में, इंदौर जैसे बड़े व्यापारिक शहर में किसी तरह का कोई नया बजट में कोई नया कर लगाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। हालांकि ये जरूर है कि स्मार्ट सिटी के अलावा शहर के जो बाकी इलाके जो नए 95 गांव शहर में जोड़े गए उनके विकास के लिए वहां पे पानी कैसे पहुंचाया जाए, वहां पे सड़कें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाए, साथ में इंदौर शहर में मेट्रो शुरू होने वाली है, नए फ्लाईओवर बनने हैं इंदौर में, तो कहीं ना कहीं एक मॉडर्न शहर को, एक जो नया इंदौर की जो परिकल्पना की जा रही है जिस तेजी से इंदौर बढ़ रहा है वो इस बजट में नजर आएगा, इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल, तो नया इंदौर की परिकल्पना किस तरह से साकार होगी अब इस बजट में फिलहाल देखना होगा, लेकिन नया कर इस बार उम्मीद की जा रही है कि नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए।